हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये न्यू टॉपिक है। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है? जैसे आपने प्लांट सेल देखी है, तो प्लांट सेल में क्या क्या होता है? न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्मा जो सेल के अंदर, पूरी सेल के अंदर भरा रहता है, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। तो जो जीन साइटोप्लाज्मा के ऑर्गेनल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो जीन क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट का क्या मतलब है कि पेरेंट से न्यू प्रोजेनी में जो कैरेक्टर उनके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मा में ऑर्गेन्स प्रेजेंट हैं उनके थ्रू जो इनहेरिट हो रहा है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब देखो, हम जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसको हम डिवाइड करते हैं इजी वे में समझने के लिए। साइटो का क्या मतलब होता है? साइटोप्लाज्मा जो सेल के अंदर फील होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और इनहेरिट का क्या मतलब होता है कि जो कुछ कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट से न्यू प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिट होना। तो इसी से आपको समझ आ जाएगा कि जो जीन साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट है उन जीन का ट्रांसफ़र होना वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो पॉइंट है, डीएनए इज़ द सोल जेनेटिक मटेरियल एंड इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों को पता है कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स पे। और डीएनए में क्या होता है? डीएनए में जेनेटिक मटेरियल होता है जो स्टोर करके रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये डिस्कवर किया गया कि साइटोप्लाज्मा में भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वो दोनों क्या करते हैं? वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखते हैं। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो साइटोप्लाज्मा होता है उसमें भी क्या होती हैं? जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसको जो इसमें दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल हैं, जैसे फर्स्ट है प्लास्टिड, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, आप लोगों को पता ही है, और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, द पॉइंट इज़ द टू इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल ऑर्गेनली दैट इज प्लास्टिड इन प्लांट ओनली एंड माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड इन साइटोप्लाज्मा कैरियर डीएनए। ये जो ऑर्गेनली होते हैं प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता है उसको कंट्रोल करके रखते हैं थ्रू द डीएनए। दीज ऑर्गेनली कंट्रोल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इन मैनी केस थ्रू देयर डीएनए विच कैरियर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हाउएवर देयर आर अदर केसेस वेयर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डिपेंड ऑन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल। कुछ केसेस में जो क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो किस पे डिपेंड होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल पे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के पार्टिकल होते हैं उन पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डिपेंड होता है, विच आर नॉट एसेंशियल फॉर सेल फंक्शन एंड देयर फोर मे बी प्रजेंट और एब्सेंट। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल होते हैं, ये इनका कोई रोल नहीं होता सेल फंक्शन में, ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। सच डिस्पेंसेबल पार्टिकल इंक्लूड कप्पा इन पैरामीशियम एंड सिग्मा इन ड्रोसोफिला। ये जो पार्टिकल हैं ये किस में होते हैं? पैरामीशियम के कप्पा में और ड्रोसोफिला के सिग्मा में, ठीक है। दीज पार्टिकल आर नॉट ओनली इनहेरिटेड बट आर आल्सो इन्फेक्टिव। ये जो पार्टिकल होते हैं पैरामीशियम और ड्रोसोफिला के, ये केवल ये इनहेरिट नहीं होते, इनहेरिट मतलब सेल टू सेल ट्रांसफ़र नहीं होते, और ये क्या करते हैं? इन्फेक्टिव करते हैं सेल्स को। सिंस दे कैन बी इंट्रोड्यूस इन टू न्यू होस्ट विदाउट द नीड ऑफ एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये बिना रिप्रोडक्शन के दूसरी सेल में क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं, ठीक है। फर्दर द प्रजेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ दिस इन्फेक्टिव पार्टिकल में ऑल्सो डिपेंड ऑन न्यूक्लियर जीन। ये जो पार्टिकल होते हैं जो बिना रिप्रोडक्शन के सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, ये किस पे डिपेंडेड होते हैं? न्यूक्लियर जीन पे। अब न्यूक्लियर जीन क्या होते हैं? अब देखो ये क्या है? प्लांट सेल है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। इसमें ये क्या प्रेजेंट होता है जो ब्लू में है? ये है न्यूक्लियर। तो जो जीन न्यूक्लियर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर जीन, या इसको हम क्या बोलते हैं? क्रायो जीन, ठीक है। और जो जीन साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्मिक जीन,
ठीक है। साइटोप्लाज्मा में देखो जैसे ये डीएनए है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होते हैं? डीएनए पार्टिकल होते हैं, और ये जो डीएनए पार्टिकल हैं, ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये ही जीन, ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो जीन साइटोप्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन, और जो जीन न्यूक्लियस के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर जीन या क्रायोजीन। अब देखो क्वेश्चन है कि आप लोगों को पता ही है जो सेल्स होती हैं वो मेल प्लांट्स में भी मिलती हैं और फीमेल प्लांट्स में मिलती हैं। तो क्वेश्चन है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो मेल में ज़्यादा होता है कि फीमेल में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो जो ये सेल है, ये दो सेल हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। जो मेल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वो उसका जो साइज होता है वो काफ़ी लार्ज में होता है उसका जो साइज होता है, और उसमें साइटोप्लाज्मा जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसमें जो तो मेल सेल के थ्रू जो न्यूक्लियर जीन का जो इनहेरिट होता है वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के, ठीक है। अब देखो जो फीमेल सेल्स होती हैं उनमें जो साइटोप्लाज्मा है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस के वो ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा होता है। तो फीमेल जो सेल्स होती हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू मेल सेल्स के। तो देखो हमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में थ्री टाइप्स के इनहेरिटेंस को डिस्कस करना है। फर्स्ट है मैटरनल इफेक्ट डिपेंडिंग इनडायरेक्टली ऑन न्यूक्लियर जीन एंड इन्वॉल्विंग नो नॉन साइटोप्लाज्मिक हेरिडिटी यूनिट, ठीक है। तो पहले तो हमें उन जीन के बारे में डिस्कस करना है जो साइटोप्लाज्मा में हैं लेकिन डिपेंड किस पे होते हैं, न्यूक्लियर जीन पे या क्रायोजीन पे डिपेंडेड होते हैं। सेकेंड है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग डिस्पेंसेबल एंड इन्फेक्टिव हेरिडिटरी पार्टिकल इन साइटोप्लाज्मा विच मे और मे नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियर जीन। तो सेकंड क्या है कि कुछ साइटोप्लाज्मा में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो किस पे डिपेंडेड होते हैं, न्यूक्लियर जीन पे, मतलब वो न्यूक्लियर जीन पे डिपेंडेड हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग एसेंशियली ऑर्गेनल लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि वे जो ऑर्गेनल्स जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है जिसके बारे में हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में डिस्कस करेंगे।